जनाब फाइवर फ्रीलांस मार्केट प्लेस नॉन ट्रेडिशनल अकलौती नॉन ट्रेडिशनल विच लेट्स यू पुट योर गैग एंड देन बाय हैविंग अ गुड गैग अगर वो खरीदी गई सर्विस बिक गई तो आप पैसे कमाएंगे या फिर जैसे हमने डिस्कस किया कि बाय रिक्वेस्ट लो जी पैसे आपने कमा लिए अब पैसे कमाने के लिए आपका कोई सिस्टम होगा जैसे बाकी फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर होता है कि आप अपने अकाउंट से पैसे कैसे अपने बैंक अकाउंट तक लेके आ सकते हैं तो पैसे फाइवर से अपने बैंक अकाउंट में और मैं बैंक अकाउंट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ पाकिस्तान का जिक्र इसलिए नहीं किया कि डीजी स्किल्स सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए विद इन पाकिस्तान नहीं है ये एक्सपर्ट पाकिस्तानियों के लिए भी है जनाब आली फंड्स विड्रॉल मेथड मोस्ट प्रोमिनट पे ओ नीर मैं फाइवर में इसी की बात करूँगा क्योंकि सबसे आसान है एक खूबसूरत पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है तो जनाब ये एक प्रोफाइल है जैसे आप फ़ाइवर पे साइन इन हो इस पे आप अर्निंग्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको का पे का वाज तौर पे इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है जिसको क्लिक करने से आप अपना पे अकाउंट ऐड कर सकते हैं फ़ाइबर के साथ अच्छा पे को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि मैं पे की बात क्यों करूँ बिकॉज सबसे आसान तरीका है फाइवर में एक खूबसूरती ये है वैसे तो बहुत सारी खूबसूरतियाँ पर एक अच्छी खसूसियत यह है कि आप अपना पेयनर का अकाउंट ऐड कर सकते हो अपनी फाइवर अकाउंट के साथ सो वट असेंशली मीन्स इज यू डू नॉट नीड टू हैव अ डेबिट कार्ड ऑफ पे आप कनेक्ट करें पे में अकाउंट बनाएं फाइवर के साथ कनेक्ट करें और उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लें यही सिस्टम चलेगा यू रिसीव मनी ऑन फाइवर उसको आप विदड्रॉ करते हो पे में यू डू नॉट नीड टू हैव अ फिजिकल कार्ड फॉर दैट उसके बाद पेयोनर के ऑनलाइन अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर लेते हो अपने बैंक अकाउंट में सो so जनाब आप 20 डॉलर मिनिमम हो तो आप फाइवर से अपने पेयोनर में लेके जा सकते हैं बट याद रखिएगा पेयोनर से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए सौ डॉलर मिनिमम होना ज़रूरी है अच्छा इसमें कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है बट एक्सचेंज रेट वेरी होता है वो ऑन द डे मार्केट प्लेस खुद डिसाइड करती है सो यू कैन एक्चुअली वर्क इट इन टू वेज आप पैसा विड्रॉ करते हैं अपने फाइवर अकाउंट से पेयोनर और पेयोनर से आप विड्रॉ करते हैं अपने लोकल बैंक अकाउंट में बेस्ड ऑन द कंट्री यू हैव खौवाजरात आप मेरी स्क्रीन में पेयनर का स्प्लैश पेज देख रहे हैं लैंडिंग पेज देख रहे हैं वेबसाइट देख रहे हैं इसको एक ही बात बोलते हैं अब इसमें मुझे आपको स्क्रीन पर लाने की जरूरत इसलिए पेश आई बिकॉज पेयोनर मेरे नज़दीक सबसे आसान तरीका है फॉर फाइवर यूजर्स मैंने पिछली तफसीला वजाहत की है कि जनाब आप फाइवर के अकाउंट से पेयोनर का अकाउंट पे विड्रॉ करें और पेयोनर से आप विड्रॉ करें सीधा अपने बैंक में तो जनाब अली ये रहा पेयोनर और पेयोनर पर पे पे आप क्लिक करेंगे होम पेज पर पे रजिस्टर का बटन है तो जब मैंने बटन पर क्लिक किया वो कहता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन बताएं कि मैं कौन हूँ मैंने बताया जी मैं फ्री लांसर हूँ उसने कहा क्या ढूँढ रहे हो मैंने कहा जी मुझे पैसे चाहिए और वो कहता है तुम्हारा करंट पेमेंट वालीम क्या है मैंने कहा जी पाँच हज़ार से कम है तो मैंने बीच वाला सेलेक्ट कर लिया उसके बाद वो कहता जी एजेंसी हो क्या हो जो भी हो रजिस्टर करो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है मैंने रजिस्टर पे दोस्तों क्लिक किया रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये मेरे से मेरी इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि तुम तो इंडिविजुअल हो या कंपनी हो मैंने कहा जी मैं इंडिविजुलअल हूँ उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है मैंने उसको कहा शाम नाम तो सुना होगा उसके बाद मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट कर रहा हूँ और आप भी अपनी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट कीजिए कन्फर्म ई मेल मांगेगा मैं दोबारा कन्फर्म ई मेल दे रहा हूँ क्लिक करने के बाद जनाब अगले पेज पे मैं आता हूँ तो वो मुझे मेरा कंट्री देता है उसके बाद मुझसे एड्रेस पूछ रहा है उसके बाद मेरे से मेरा शहर पूछ रहा है उसके बाद मेरे से मेरा पोस्टल कोड पूछ रहा है और उसके बाद वो आ, मेरा फ़ोन नंबर पूछा तो मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ इसको तेज़ी से आखिर में मैं आया मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं फिल इन कर रहा हूँ जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सच एज सीक्रेट क्वेश्चन एंड देन गिविंग अ आंसर टू अ सीक्रेट क्वेश्चन और उसके बाद मैं नेशनल आईडी कार्ड नंबर दे रहा हूँ उसके बाद जनामें कोड है जो नीचे आ, लिखा आ रहा है जो कि मुझसे कंफर्म कर रहा है कि तुम रोबोट हो के इंसान हो मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ कि मैं ह्यूमन बींग हूँ और मैंने उसको नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद अब मैं उसको अपनी बाकी की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट करूँगा इस मैं अपने बैंक के बारे में बता रहा हूँ और ये देखो पाकिस्तान का चूंकि मैंने मुल्क सेलेक्ट किया था ना तो पेनी रीति बड़ी कंपनी है और होनी भी चाहिए आ, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो फ्री हैं वो हिंदुस्तान से बेहतर थे दो हज़ार उन्नीस में रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने अपना बैंक चेक किया मिज़ान उसके बाद मैंने उसमें अकाउंट टाइटल डाल दिया और यहाँ पर मैं अपना अकाउंट दे रहा हूँ और उसके बाद मैंने आई एग्री टू टर्म्स किया सो वट आई पॉपुलेट आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन इट टेक्स मी टू द नेक्स्ट पेज एंड देन इट सा इज़ रिव्यू इन प्रोसेस लेट मी क्लैरिफाई ओवर अप्रूवल नहीं होती टिपिकली टेक्स अराउंड थ्री टू फाइव डेज एट लीस्ट फॉर एन अकाउंट टू गेट अप्रूव्ड फॉर पेयोनर आप याद रखिएगा कि अगर आपने एक दफ़ा पेयोनर का अकाउंट बना लिया जैसे मैंने आपको बना के दिखाया उसी पेयनर के अकाउंट को आप फाइबर अपवर्क गुरू डॉट कॉम सब पे पॉपुलेट कर सकते हो और न सिर्फ इधर कहीं भी यूज़ कर सकते अगर आपके अकाउंट में पैसे आ, आ चुके हैं तो यू कैन यूज दैट टू यूज ऑन एनी फ्री मार्केट प्लेस अगर साइंड नहीं हो ऑलरेडी पेयोनर पे तो तब तो ई मेल एड्रेस दोगे ऑटोमेटिकली पिक कर देगा और अगर आप किसी टैब पे ऑलरेडी साइंड इंड हो पेयोनर में तो उसके बाद आपको वो भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है एक बटन पे क्लिक करो सिर्फ एक बटन पे और उसके बाद पेयोनर पॉपुलेट हो गया फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर इससे ज़्यादा आसान तरीके से क्या समझाऊं